नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शैलेंद्र श्रीवास्तव का नमस्कार। आज जो है वो पहला दिन है हमारा लॉकडाउन का। आपको मालूम है कि 21 दिन का ये लॉकडाउन है, पूरे भारत को बंद रखा गया है। आप सब जानते हैं हम लोग सब घर में हैं, और ये जो कोरोना है उसका बचाव एक ही है कि अपने घर में बैठिए। तो हम सब अपने घर में बैठे हैं, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी। ये जो अंताक्षरी का टाइम है ना, वो पुराना हो गया। पता नहीं क्यों लोग मेरे को भेज रहे व्हाट्सअप पर कि अंताक्षरी खेलो, जो राजा मंत्री चोर सिपाही खेलो। न जाने क्यों हम लोग जो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम अपने समय के साथ नहीं चल रहे होते, हम कहीं ना कहीं अटके रहते हैं पुराने। सारे खूब राजा मंत्री खेल लिया एक जमाने में, खूब चोर सिपाही भी खेल लिया, लेकिन अब हम थोड़ा सा उनके साथ चले ना, नए बच्चे जो हमारे हैं, जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनके साथ रहे हम। 2020 चल रहा है तो 2020 में जिंदा रहे, इसलिए तो फिर जनरेशन गैप हो जाता है। हमारे बच्चे और हमारे नाती पोते और जो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, वो बात नहीं करते कि दादाजी तो अनशन बातें करते हैं बेकार, पिताजी तो अनशन बातें करते हैं बेकार, मम्मी जी तो ऐसी बातें करती हैं बेकार। अरे थोड़ा समझिए, 2020 में चलिए, नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे फिल्में देखिए मेरे साथ। तो आज की पहली फिल्म हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स की। पहले नेटफ्लिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत फिल्में देता है, सब HD, कुछ अच्छी कुछ बड़ी, लेकिन अच्छी क्वालिटी की फिल्में देता है, फिल्में भी देता है और इनकी अपनी भी बनती हैं। तो इनकी अपनी बनाई हुई कुछ फिल्में हैं, कुछ फिल्मी हैं जिनकी हम बात बाद में करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, पहले ये प्लेटफॉर्म बड़ा महंगा हुआ करता था, अब ये इन्होंने इंडिया में एक नया लॉन्च किया है, रेट कम से कम करते जा रहे हैं और आज जो इनका मिनिमम रेट है वो आ गया है 199 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पूरा परिवार इसमें आपका देख सकता है। यदि चार लोग आपके घर में 199 में आप देखते हैं तो आपको तो 50 रुपये महीना पड़ा ना। लेकिन इसमें एक बात है कि 199 में आप सिर्फ मोबाइल पे देख सकते हैं, टीवी में या कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो हम लोग तो मोबाइल पे देखते हैं भाई, टीवी में कहाँ टाइम। और आजकल इनकी फिल्में ऐसी होती भी नहीं है कि हम टीवी में देखें, ये इंडिविजुअलिटी का ज़माना है, सब कान में लगा के देखते हैं। और इनके जो कंटेंट है वो भी कुछ ऐसे ही है कि कान में लगा के ही देखने पड़ते हैं, वो भी देखना भी चाहिए। और रही बात दूसरा कि अब मेरे घर में यदि चार मेंबर हैं तो चारों एक साथ देखें, ये यदि ऐसा वो चाहते हैं तो ठीक है, 600 वाला 650 वाला प्लान ले सकते हैं, लेकिन एक एक करके देख लेंगे तो क्या दिक्कत है ना, कम से कम हमारी बचत भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो 199 के प्लान में आपको 4-5 मोबाइल में आप देख सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एक एक बार, एक व्यक्ति एक ही बार में एक ही देखेगा और ये एक महीने के लिए है। पहला महीना तो फ्री होता है, तो अभी तो आप एक काम करिए, अभी तो 21 दिन का लॉकडाउन है, 21 फिल्मों पे हम बात कर रहे हैं, तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन तो ले ही लीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना हो तो 199 भरिए, नहीं तो शैलेंद्र श्रीवास्तव के साथ तो आप आ ही जाते हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी आपको। आज हम पहली फिल्म शुरू कर रहे हैं फिल्म रिव्यू, जिसका नाम मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, मुझे ये फिल्म बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसको फर्स्ट नंबर पर चुना। फिल्म का नाम है एग्जैक्टली वंस अगेन, बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसमें है शेफाली शाह। शेफाली जी मुझे बहुत सालों बरसों से जब बहुत पसंद है, जब वो टीवी में आया करती थी, एक सीरियल में आती थी जिसका नाम मैं भूल गया, लेकिन उसका कुछ टाइटल सॉन्ग जगजीत सिंह का गाना है, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र पे हम थे, रुखवाओं का जिधर का था उधर के हम थे, ये टाइटल सॉन्ग था फिल्म, वो जो सीरियल था उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन तब से मुझे शेफाली इतनी पसंद है। बहुत गायब हो गई बीच में, पता नहीं कहाँ चली गई, कुछ कुछ कभी कभी दिखती हैं। वक्त फिल्म में अमिताभ बच्चन की वाइफ बन के आई, थोड़ा मुझे दुख हुआ कि ये इतनी अच्छी लड़की जैसी है और अमिताभ की वाइफ बनी हुई है, जबकि अमिताभ इनसे बहुत बड़े हैं, लेकिन इन्होंने उसको बखूबी निभाया। लेकिन अब जो ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने लगी है, इनकी गजब का रोल प्ले कर रही हैं उसमें ये। अभी कुछ ही दिन पहले निर्भया कांड के ऊपर एक फिल्म बनी थी। आज हम बात करते हैं शेफाली की फिल्म और नीरज काबी की फिल्म, जिसे कि जिसका नाम है वंस अगेन और जिसे बनाया है कंवल सेठी ने। कंवल सेठी जी का तो मैं बोलूं कि क्या आपने बना दिया, शायद मुझे नहीं लगता कि भारत के जो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर थे उनके बराबरी से आप खड़े हो गए, या शायद कहीं आगे ही खड़े हो गए। ये फिल्म नहीं है, ये एक बहती हुई नदी, ये कुछ ऐसा एहसास देती है जैसे आप नदी में किसी डोंगे में, किसी एक बड़ी सी डोंगे में लेटे हुए हैं और वो बह रही है नदी, और आपका डोंगा बहता चला जा रहा है, और रात का टाइम और छल 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 की आवाज़ आ रही है। एक एक फ्रेम इसका, एक एक पेंटिंग है, एक एक कलाकारी है, एक एक देखने लायक चीज़ें। इसका गाना आप देखिए सुनिएगा, गजब के गाने हैं।
बात इतनी सी है कि एक लेडी है वो लंच बॉक्स बनाने का काम करती है और उसका एक किचन है जो बहुत सारे लोगों को सप्लाई करती है खाना। उसके बेटे की शादी होने वाली है और वो अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रही है, अचानक से कहीं से एक रॉन्ग नंबर आ जाता है और उससे उसकी एक व्यक्ति से दोस्ती हो जाती है जो फिल्म में हीरो है, और वो अब थोड़ा फेडअप हो गया, अकेला है अपनी लाइफ में, तो वो इससे बोलता है कि ठीक है आप लंच बनाती हैं तो मेरे लिए आप लंच भिजवाने लगी है, और इस तरह से इनकी दोस्ती हो जाती है, लंच बना बना के उनको देती हैं। गजब का ट्यूनिंग, गजब की फिल्म, और इतनी ज़बरदस्त अच्छे से पिक्चराइज की हुई इस मूवी को, इतनी खूबसूरती से पिक्चराइज किया हुआ, किचन इतना खूबसूरत लगेगा, वहाँ की चीज़ें इतनी खूबसूरत लगेंगी, ये शायद कोई शेफ भी नहीं जानता होगा, उसको बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया। अचानक से किचन की सब छड़ थड़ 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 आवाज़ें आ रही, खूब लोग चल रहा, अचानक से सन्नाटा और उसमें दो व्यक्ति आपस में प्यार कर रहे। गजब का मूवी बनाई है ये, बहुत ही सुंदर मूवी है। मैं ये इसको ज़्यादा खोलता नहीं हूँ, इस पिक्चर को आप देखिए, ज़रूर देखिए। और इसमें ख़ास बात यह है कि जब वो बहुत थक जाती है, वो घर आती है, फ़ोन लगाती है, अपने प्रेमी से बात करती है और थोड़ी सी मुस्कान उसके चेहरे पे आ जाती है। कभी कभी महिलाएं हमारे भारत में उस एक मुस्कान के लिए न जाने कितना चुरा के मुस्कान वो लेनी पड़ती है उनको, और कितना उसके बदले में उन्हें ज़िंदगी देनी पड़ती है, लेकिन उनके बारे में शायद हम उतना सोचते नहीं हैं। ये एक ऐसी फिल्म है जो बहुत ही अनोखी सी फिल्म है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे बनी हुई और बहुत ही प्रौढ़ इसमें प्रेम दिखाया है। नीरज काबी जी ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी है और शेफाली तो हैं ही गजब। और ये फिल्म आप यदि आप मेरे कहने पे देखते हैं तो यकीन मानिए आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, और ये फिल्म आप कम से कम 50 लोगों को सजेस्ट करेंगे। तो आप आज पहला दिन इस लॉकडाउन के ये फिल्म देख रहे हैं रात को, तो कुछ नहीं, आप सब्सक्राइब करिए नेटफ्लिक्स, 200 रुपये लगा दीजिए सर, इतना सारा पेट्रोल भी तो बच गया, हम लोग घर से कहीं जा नहीं रहे, और आपको इतनी अच्छी अच्छी फिल्में मिलेंगी। मैं आपको 21 फिल्में बताऊँगा, उनमें से बहुत सारी फिल्में जो हैं वो केवल इसी पे हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे कोई इससे फ़ायदा नहीं होने वाला, नाम तो मैं इसका कोई सेल्समैन हूँ, लेकिन हाँ मैं कोई अच्छी फिल्म सजेस्ट करूँगा और वो कहीं है ही नहीं, तो हम मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं से पायरेटेड या चोरी वोरी करके देखें। आप A199 कोई बड़ी रकम नहीं है, बड़ी राशि नहीं है, अच्छे से देखें, हम लोग रोज़ बात करेंगे और आप रोज़ फिल्म देखिए, मेरे को दूसरे दिन आप फीडबैक दीजिए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और अगली फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये सोचिए कि ये जो 21 दिन हैं हम लोगों के कितने अच्छे बीतने वाले हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या 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 नहीं कर दें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने मेरा रिव्यू देखा उसके लिए, और फिर से मिलते हैं कल एक दूसरी मूवी के साथ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।